हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे तरफ से हमारे पूरे यूट्यूब परिवार को सरस्वती पूजा और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आप अभी तक का SSC GD का ऑल शिफ्ट का GK GS का आपको फ्री में PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर मैसेज करके आप अभी तक का GK GS का ऑल शिफ्ट का PDF ले सकते हैं। क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, आप तो PDF ले लीजिएगा। आज 26 जनवरी 2023, पहले ही क्लियर कर दूँ, आज SSC GD का कोई पेपर नहीं आया है, पेपर नहीं है। आप बहकावे में मत आइएगा, बहुत लोग सेंटर से ही वीडियो बना देगा, लेकिन आज एग्ज़ाम नहीं है 26 जनवरी को। लेकिन इस वीडियो में वही सब क्वेश्चन को लिया गया है जो अभी खूब रिपीट हो रहा है, चाहे वो आप पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका संविधान से क्वेश्चन हो, या खेल से, मतलब सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लिया गया है। ठीक है, आइए हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा, निश्चित आपको हेल्प मिलेगा। आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो एक एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से लड़ेगा, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा जाता है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो उपाधियों का अंत तो अनुच्छेद 18 में है भैया, लेकिन आपको अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत, ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुच्छेद 17 में है, याद रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत कितना में है, अनुच्छेद 17 में है, याद रखिएगा। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा था, रिपीटेड क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, DRDO के वर्तमान अध्यक्ष पूछा जाता है क्वेश्चन, तो डॉक्टर समीर वी कामत जी है जो DDRD और DRDO दोनों के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप लोग पंचवर्षीय योजना का सबका कार्यकाल देख लीजिएगा और कितना लक्ष्य रखा गया था और किस मॉडल पर आधारित है ये भी देख लीजिएगा, खूब पूछ रहा है इसे क्वेश्चन। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56 था, इसका अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, मोहिनी अट्टम में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु के धारण इसलिए किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके, तो विष्णु कृष्ण भगवान की पूजा किया था मोहिनी अट्टम में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4Cl। गणेश महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन अब खूब पूछ रहा है, महीना पूछता है कोई भी पर्व का, तो इसे भादो मास मतलब बोले तो भादो मास के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, याद रखिएगा। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी मुख्यमंत्री राज्यपाल से खूब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो भगवत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री। देखिए, एकनाथ शिंदे से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे, देखिए पहले थे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अभी कौन है, एकनाथ शिंदे है, उप मुख्यमंत्री भी है महाराष्ट्र का, तो उसका नाम क्या है, देवेंद्र फडणवीस है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। देखिए, जिस भी राज्य का उप मुख्यमंत्री होता है उसको आप याद है, मतलब कि अभी उसको याद रखिएगा, कई बार उप मुख्यमंत्री ही पूछता है, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूची है, देखिए आपको ये तीनों महत्वपूर्ण है, कभी कभी अनुच्छेद पूछता है कितना अनुच्छेद है, अभी 395 याद रखिएगा, आपको आगे देखिएगा पूछेगा जरूर, कितना भाग है पूछेगा, पहले 22 था अभी 25 भाग है, कितना अनुसूची है ये भी पूछता है, मतलब सब एक एक शिफ्ट में अलग अलग करके पूछा गया क्वेश्चन है, अनुच्छेद भी, भाग भी और अनुसूची भी, तो 1200 अनुसूची है, ये सारे तीनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है, तो आपातकाल तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति देश के आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाते हैं। अब आपातकाल आ गया तो तीनों हम आपको बताते हैं, पहले तो राज्य में राष्ट्रपति शासन 352 एक सेकेंड आपको पूरा क्लियर करते हैं, पहले राज आएगा कि राष्ट्र आएगा, पहले राष्ट्र आता है, तो राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा पूरा देश में तो 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356, अब वित्तीय आपातकाल 360, ऐसे याद रखिए, पहले राज आएगा कि राष्ट्र आएगा, पहले हम लोग का राष्ट्र आएगा, देश आएगा ना, तो देश आएगा तो पहले 352 और फिर राज आएगा तो 356, उसके बाद वित्तीय आपातकाल 360, इस तरह से याद आप रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्नम मल्लेश्वरी है, वह एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक है, वह 2000 में सिडनी में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल भी पूछा गया था, लक्ष्य भी हर पंचवर्षीय योजना पूछता है, तो देखिए पांचवी है, पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा पूछा जाता है, किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है, जिसका देखिए योजना निर्धारण लक्ष्य था 4.4%
और वृद्धि हुआ था 4.9%, ठीक है। और आत्मनिर्भरता पे भी जोर दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र, श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अब सभी राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल देख लीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से। किस केंद्र शासित प्रदेश का साक्षरता सबसे कम है? अब साक्षरता का बात आ गया, हम लोग आपको तीनों चारों क्वेश्चन बताते हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है? केरल में है। सबसे कम कहाँ पे है? बिहार में है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? लक्षद्वीप है। कम का थोड़ा सा कन्फ्यूजन, जम्मू कश्मीर या क्या है केंद्र शासित प्रदेश में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। 2018 के एशियाई खेलों का ध्वजवाहक कौन था? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलैंड वर्ग में 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी की। उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे। कौन थे? नीरज चोपड़ा। चीन इसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता था, 132। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है कि चोरा चोरी के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो वो है असहयोग आंदोलन। इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। महात्मा गांधी के इस फैसले को लेकर क्रांतिकारियों का एक दल नाराज हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज किस भाग में है? तो इसके बारे में सारा हम बताएंगे। भाग पूछेगा पंचायती राज का, तो भाग 9 याद रखिएगा। आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज, ठीक है। 1993 में संविधान के में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई थी, याद रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानसभा है? तो 6 राज्य में है। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, ये याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? मॉडल हेरा डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी नंदा आगे ही बता चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? देखिए, और इसमें क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन के प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राज्य की एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। पूछता है ये क्वेश्चन कि राज्य की एकता, अखंडता या धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो चलिए, यहीं तक पर प्रश्न था। इस वीडियो में हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है उसी सबको रिपीटेड क्वेश्चन देखें। अब आप एग्जाम अभी तक आपका जीडी का नहीं हुआ, आगे है तो एसएससी जीडी का, अभी तक का जीके जिसका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिला होगा, वहाँ पर मैसेज करके ले सकते हैं। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो आप पीडीएफ आप ले लीजिएगा, बिना मतलब पैसा नहीं लग रहा पीडीएफ का। बहुत लोग इसका चार्ज कर रहे हैं 20 रुपया 30 रुपया, बट मैं आपको इसे पीडीएफ को फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, आप लोग कन्फ्यूजन मत होना। आ चुकी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी है और सरस्वती पूजा भी है, तो आशा करते हैं भगवान आपका सरस्वती माता हम लोग को सबको विद्या दे और सबको अपना अपना लक्ष्य की प्राप्ति करवाए, मतलब कि जो जो एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो, अपना अपना सब अपना लक्ष्य की ओर प्राप्त करें। तो चलिए, मेहनत पसंद आया हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।